दोस्तों आज हम आपको लेकर जाने वाले हैं नेपाल की एक ऐसी रोपवे राइड पर, एक ऐसी उड़न खटोले की यात्रा पर जो हमें नेपाल के हिमालय पर्वत पर बसे एक ऐसे शहर तक लेकर जाएगा जहां आप पहले कभी नहीं गए होंगे, ना ही आपने ऐसा शहर देखा होगा। जब हम लोग इस राइड को करने के बाद उस शहर में पहुंचे तो हम भी आश्चर्यचकित हो गए कि इतनी बड़ी रोपवे राइड के बाद हम नेपाल के एक ऐसे शहर में पहुंचने वाले हैं। तो आपको भी हम ये रोपवे राइड कराएंगे, आपको भी लेकर चलेंगे उस खूबसूरत शहर में। तो बने रहिएगा इस वीडियो के साथ, देखिएगा लास्ट तक बिना स्किप किए जरूर, और साथ ही ऐसे ही एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में बेल आइकन दबाने के बाद ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए चलते हैं आज एक नेपाल की सबसे बड़ी रोपवे राइड पर। फ्रेंड्स अभी मन कामना रोपवे पॉइंट पर जा रहे हैं हम लोग। करीब 9000 फीट से ज़्यादा की लेंथ है इस रोपवे की और दो स्टेशन है। ये हो गई मेन एंट्री यहाँ से। तो अभी हम लोग अंदर आ गए, रोपवे मुझे वहाँ से दिखाई दे रही है, वो रही पार्किंग इधर, टिकट सेल इधर, ये टिकट काउंटर इधर, और इधर आगे पार्किंग है, ये पूरा टिकट काउंटर है यहाँ। 30 रुपये पार्किंग शुल्क है प्रति घंटा पर आर, और बाइक के लिए 10 रुपये। कुछ इस तरह की पार्किंग पर्ची मिलती है। फ्रेंड्स गाड़ी पार्किंग में लगा दी है, मनकामना रोपवे पॉइंट पर हम लोग आ गए हैं। सामने टिकट काउंटर है, टिकट लेते हैं और फिर चलते हैं रोपवे राइड पर, दिखाते हैं आपको यहाँ के खूबसूरत नज़ारे और ऊपर लेकर जाएंगे। बहुत बड़ी रोपवे राइड रहने वाली है, करीब 3.25 किलोमीटर के आसपास ये चल रहे हैं रोपवे। उधर बना हुआ हेलमेट काउंटर, बाइक वाले हेलमेट वहाँ जमा कर सकते हैं, और यहाँ है पार्किंग फीस काउंटर। पार्किंग फीस की बात करूँ तो बाइक वालों से चार्ज करते हैं 10 रुपये, कार और जीप से 30 रुपये, मिनी बस से 35 रुपये, और बड़ी बस से 50 रुपये चार्ज किया जाता है। इधर चार्जिंग पॉइंट है मोबाइल वगैरह चार्ज करने के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी कुछ पॉइंट बने हुए हैं। थोड़ा और आगे आ जाते हैं तो पहुँच जाते हैं टिकट काउंटर पर। तो गाइस टिकट ले लेते हैं फिर टिकट ले लेते हैं और फिर चलते हैं। ये पूरी रेट लिस्ट है। तो फ्रेंड्स से टिकट आ गया है, देख लेते हैं एक बार टिकट। ये है टिकट, कितने का? अगर इंडियन करेंसी है तो 525 रुपये एक व्यक्ति का, नेपाली लोगों को डिस्काउंट है 675 रुपये मिलता है, और अगर इंडियन आते हैं एडल्ट तो उनको लिए 840 का नेपाली करेंसी में। चलिए जी चलते हैं, चलिए चलते हैं रोपवे पर। टिकट हो गए वेरीफाई, चले जी। हाँ चलिए जी जी, रोपवे राइड करने वाले हैं आप आज हम लोग। मनकामना केबल कार 1998 में ये बनकर तैयार हो गया था। 3200 मीटर लेंथ रहेगी, 3200 मीटर जाना, 3200 मीटर वापस आना। दो फेज इसमें हैं, चितवन पहला फेज है, दूसरा मनकामना गोरखा जो लास्ट पॉइंट रहेगा। टिकट वेरीफाई हो गए हमारे, चलते हैं रोप के पॉइंट पर, एकदम रोप के सामने दिखाई दे, यही है खाली वाला, इसी को पकड़ लो। इसी में बैठ जाएंगे, चलेंगे, आ जाओ। तो फ्रेंड्स तो गाइस अभी हम लोग रोपवे में बैठ गए हैं, पांचों लोग, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहने वाला है। नहीं नहीं वीडियो चल रही है, वीडियो चल रही है। त्रिशूला रिवर फ्लो कर रही है और बहुत शानदार ये राइड रहने वाली है। ऊपर से भी रोपवे कार है, मैं दिखाता हूँ आपको। इस रोपवे राइड को नेपाल की सबसे बड़ी, सबसे लॉन्गेस्ट रोपवे राइड के नाम से भी जाना जाता है।
बहुत तेज चल रहा है, बंद है ना इसलिए पता नहीं चल रहा है, थोड़ी थोड़ी हवा भी आने लगी है। यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए भी जगह दी हुई है, ऐसा नहीं है कि गर्मी लगी कि हवा आ रही है, और ये AC चल रही है, ये भी खुला हुआ है ना, तो यहाँ से भी हवा आ रही है, कानों में प्रेशर पड़ने लगा। सिटीजन बैंक का यहाँ पर ऐड किया गया है, इतना फास्ट में जा रहा है, सिम का भी ऐड किया गया है, जा रहा होगा सेल, कानों में थोड़ा सा ना प्रेशर पड़ रहा है ना, अभी पता चला है कि लाइट भाग गई है, तो थोड़ी देर यहीं रुकेंगे, आज रात का स्टे रोपवे में ही करना पड़ सकता है, ऐसा मत बोलिए मेरे को, नहीं नहीं हमको कुछ नहीं है, वैसे भी इंडिया में तो उतार भी लिया था उन्हें आर्मी वालों ने, हमारा क्या होगा। तो गाइस रोपवे बीच में रुक गई है, हो सकता है नाइट स्टे रोपवे में करना पड़े, खाना वैसे हमने खा लिया था तो रात तक हम यहाँ पर रह जाएंगे, कोशिश करके देखिए कि नहीं खुल रहा है, भाई जिंदगी बहुत बड़ा है, मैं कोशिश करके यार हमको डर के बात नहीं, नहीं खुलेगा ये, नहीं खुलेगा जब तक ये ऊपर नहीं पहुँचेगा तो ये नहीं खुलेगा, डरने की जरूरत नहीं है। अभी हम रोपवे के थ्रू काफी ज्यादा ऊंचाई पर आ चुके हैं, एक तरफ की डिस्टेंस की बात करूं तो करीब 3200 मीटर के आसपास है, और दो फेजेस में ये रोपवे बनाया गया है, एक फेज़ नीचे से चितवन तक जाता है और फिर दूसरा फेज़ चितवन से टॉप पॉइंट तक जाता है, जिस जगह का नाम है गोरखा, जहां अभी हम लोग जा रहे हैं, जो हिमालय पर्वत पर बसा हुआ है। वीडियो पूरा बन रही है, वीडियो बन रही है, टेंशन मत लो, एकदम खड़ी चढ़ाई है, ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ये आ गया देखो ऊपर से, और ये गया नीचे, तो लग रहा है हम लोग अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं। हाँ, ये देखिए यहाँ तो पूरा शहर बसा हुआ है यार, कितनी लाइन लग रही है, अरे वाह यार यहाँ तो पूरा का पूरा शहर बसा हुआ है, ये कहाँ पहुंच गए हम, मंदिर इधर किधर, लग रहा है नेपाल से चीन पहुंच गए हम लोग, थोड़ा स्लो में आ जा रहा है। वैसे तो लंबी लाइन लगी हुई है, सो भाई लोगों रोप वे से उतर गए हैं, एंड पॉइंट पर, टॉप व्यू पॉइंट पर आ गए हैं, चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको यहाँ से कुछ खूबसूरत नज़ारे और यहाँ का खूबसूरत मंदिर, प्रसाद की दुकानें लगी हुई हैं शुरुआत में। तो गाइस रोप वे राइड के बाद हम फाइनली गोरखा शहर में पहुँच गए हैं, जो हिमालय पर्वत पर बसा हुआ है, शहर काफ़ी बड़ा है, यहाँ पर रुकने के लिए धर्मशाला, होटल और गेस्ट हाउस भी हमें दिखाई दे रहे हैं, ये रास्ता मंदिर तक जाता है, मनोकामना मंदिर तक, और उससे पहले कुछ दुकानें हैं, दुकानों में हम देख पा रहे हैं कि प्रसाद की दुकानों के साथ साथ यहाँ पर वाइन शॉप, विस्की शॉप भी बहुत ज़्यादा है, जा रहे हैं मंदिर की तरफ और बियर की दुकानें यहाँ, ये चीज़ कुछ अलग है, यहाँ देखिए पूरा मार्केट है फूड के लिए, रेस्टोरेंट वगैरह भी है, मतलब नेपाल की ना अलग दुनिया में हम लोग आ गए ऐसा लग रहा है। सो फ्रेंड्स यहाँ तो होटल्स वगैरह भी बहुत सारे हैं, अगर रुकना है तो रुक भी सकते हैं, नहीं और होटल का चार्जेस वगैरह कैसा है यहाँ तो पता नहीं, यहाँ सीढ़ियों पे ना अभी काम चल रहा है, नई सीढ़ियाँ बनाई जा रही हैं, तो और भी अच्छा लगेगा आने वाले समय में। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि काफ़ी बड़ा बाजार है, जिसकी हमने उम्मीद नहीं की थी कि इतनी बड़ी रोपवे राइड के बाद हम एक ऐसे शहर में पहुँच जाएंगे, एक अलग ही दुनिया है ये नेपाल की, एक अलग तरह का नेपाल हमें यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। सामने मंदिर हमें दिखाई दे गया है, जिसे मनोकामना मंदिर के नाम से यहाँ जाना जाता है, और इस मंदिर की यहाँ बहुत मान्यता है। तो फ्रेंड्स हम लोग पहुँच गए हैं मनोकामना टेम्पल में, गोरखा इस जगह का नाम है जहाँ मनोकामना टेम्पल मौजूद है, सामने निःशुल्क जूता चप्पल सुरक्षा सेवा का एक जूता स्टैंड है, शूज उतारते हैं फिर मंदिर में दर्शन करने चलते हैं। सो फ्रेंड्स मनोकामना मंदिर के ठीक बाहर मौजूद हैं हम लोग, बहुत ऐतिहासिक मंदिर है, बहुत बड़ी रोपवे राइड करने के बाद हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, नेपाल के एक ऐसे हिस्से में आप पहुँचे हैं जो पूरी तरह से लोगों से शायद बचा हुआ है, मुझे लग रहा है जो टूरिस्ट हैं इंडिया से आते हैं वो यहाँ नहीं आते हैं, लेकिन हम आपको यहाँ लेकर आ गए हैं।
मनकामना टेम्पल का ये बाहर से व्यू देखिए, अंदर तो कैमरा अलाउड नहीं होगा लेकिन हम बाहर से आपको बहुत अच्छे दर्शन कराएंगे। ये जो जगह है ये समुद्र तल से करीब 4,300 फीट की ऊंचाई पर है और नीचे के कंपैरिजन में यहाँ आने के बाद टेम्परेचर भी काफ़ी लो हो चुका है। इधर से कुछ और व्यू दिखाते हैं आपको हिमालय पर्वत के। इस वक्त बहुत ऊंचाई पर हम लोग पहुँच गए हैं, बहुत ऊंचाई पर हैं। आप देख रहे हैं नीचे दूर दूर तक कितनी बड़ी वैली दिखाई दे रही है। यहाँ से ना हिमालय पर्वत की अन्नपूर्णा रेंज और लामचुंग रेंज को देखा जा सकता है। बहुत खूबसूरत ये जगह है। यहाँ के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि काठमांडू से करीब 106 किलोमीटर की दूरी पर और पोखरा से करीब 94 किलोमीटर की दूरी पर ये जगह मौजूद है। यानी गोरखपुर से जो रास्ता काठमांडू के लिए आता है उस रास्ते में बीच में ही ये पॉइंट है जहाँ से रोपवे शुरू होता है गोरखा डिस्ट्रिक्ट तक। तो यहाँ पर अभी की जा रही है शॉपिंग, काफ़ी ठीक ठाक मार्केट भी है यहाँ। यहाँ आने के बाद फूड की बात करें तो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों ही तरह का फूड यहाँ मिल जाता है। वेजिटेरियन में खास तौर पर यहाँ का ट्रेडिशनल फूड ही, यानी नेपाल का ट्रेडिशनल फूड ही आप यहाँ पर इंजॉय कर पाएंगे। मनकामना टेम्पल गोरखा नाम की जगह में स्थित है, वहीं हम लोग मौजूद हैं और मंदिर में दर्शन करने के बाद अभी मार्केट में हैं। मनी बैंक ले रहे हैं। क्या खरीदारी? मनी बैंक। मनी बैंक का पास बहुत ज़्यादा मनी, इतनी ज़्यादा हो गई है कि रखने के लिए जगह नहीं, पॉकेट में जगह नहीं है, तो कुछ इस तरह के मनी बैंक खरीदने पड़ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अभी मनकामना मंदिर से गोरखा से निकल रहे हैं वापस रोपवे पॉइंट पर हम लोग आ गए। टिकट 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 डरा दिए 5 लोग, सबका वेलकम हो गया है, अभी चलते हैं। टिकट 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 वाले सबसे पीछे हैं। चलो हम लोग बैठते हैं, टिकट वाले सबसे पीछे हैं यार। सो फ्रेंड्स, वापस से रोपवे में हम लोग बैठ गए हैं, अभी नीचे जा रहे हैं। बहुत स्पीड में जाएगा, 3.25 किलोमीटर की जर्नी रहने वाली है फिर से रोपवे में। मनकामना मंदिर में बढ़िया दर्शन हुए, वाह क्या नजारा है। बहुत मजेदार जर्नी है, रोड नहीं है ये। भाई लोगों, फिर नेपाल के इस रोपवे का अनुभव कैसा रहा, कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा रहा, मजा मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। अगर आप नेपाल आएंगे तो रोपवे बिल्कुल मिस ना करना। मनकामना रोपवे पॉइंट है ये, काठमांडू से जब गोरखपुर की तरफ चलते हैं या गोरखपुर से काठमांडू की तरफ चलते हैं ना, तब ये बीच में पॉइंट पड़ता है। बहुत अच्छी जगह, बहुत बढ़िया जगह है। ऊपर तो टेम्परेचर भी काफ़ी कम था, अब नीचे तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। पूरा मार्केट है, होटल्स हैं, रुक भी सकते हैं, बहुत सारी सुविधाएं हैं खाने पीने के लिए, होटल रेस्टोरेंट सब है वहाँ पर। वैसे जिस कैबिन में हम लोग बैठे हैं ना, कैबिन की जो कैपेसिटी है 6 लोगों की है, सामने 3 लोग बैठ सकते हैं और इधर 3 लोग बैठ सकते हैं, तो हम 5 हैं तो 5 बैठे हैं। यूँ तो कैबिन हम देख रहे हैं कि खाली भी आ रहे हैं, यानी कि लोग कम हैं और रोपवे बहुत ज़्यादा है। बहुत अल्टीमेटली हम पहुंचने वाले हैं अपने एंड पॉइंट पर। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं वापस नीचे, अब चलते हैं बाहर। तो ये रोपवे की जर्नी बहुत शानदार रही हमारी, होप करता हूँ आपको भी अच्छी लगी होगी। तो लाइक शेयर जरूर करिएगा वीडियो को, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ की कुछ फ़ोटोज़ हैं, अगर देखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, और उसका हैंडल आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। ये है यूज़फुल इन्फॉर्मेशन अबाउट केबल कार। गाइज, एक बात मैं और शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ, जो नेपाल टूर हम लोग कर रहे हैं ना MS ब्लॉगर, ये टूर हमने बुक किया एक पैकेज में, पैकेज बुक किया हमने आराध्या टूरिज्म से। सर्विस बहुत लाजवाब है, हमारा एक्सपीरियंस भी लाजवाब है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई, सब जगह बढ़िया हम लोग घूम रहे हैं और
अगर आप भी बुक करना चाहते हैं नेपाल टूर तो बुकिंग डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। आप उनसे कॉल पे बात कीजिए, डिस्कस कीजिए टूर के बारे में, जैसे भी होगा मैनेज कीजिए, कपल, सोलो, फैमिली, फ्रेंड, जैसे भी आप आना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको गाड़ी प्रोवाइड की जाएगी, हो सकता है बस मिले, हो सकता है कार मिले। कॉल पर डिस्कस कीजिए और नेपाल घूमने के लिए निकल जाइए। तो गाइस गाड़ियों के रेट एक बार फिर से यहाँ डिस्कस कर रहे हैं हम लोग नेपाल में। इधर आज भी बहुत धनी है। कितना बता रहे थे इसकी कीमत? अच्छा, 3.5 लाख की होगी, 220 सीसी की पल्सर नेपाल के अंदर, और वो जो स्कूटी खड़ी है ना ये 2.5 लाख के आसपास होगी, तो रेट कुछ ऐसे हैं। और ये वाली पल्सर 150 सीसी करीब 2 लाख के आसपास की होगी। 2 लाख के ज़्यादा पड़ेगा, 2 लाख 50 जितना पड़ेगा, 2.5 लाख के आसपास। और ये 350, ये 3-3.5 के आसपास। देख रहे हो महंगाई नेपाल के अंदर, कौन कह रहा है नेपाल सस्ता है। उम्मीद करता हूँ नेपाल की सबसे बड़ी रोपवे राइड आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा इस वीडियो को। नेक्स्ट एपिसोड में यहाँ से आपको पोखरा लेकर चलेंगे और पोखरा तक के खूबसूरत रास्ते आपको दिखाएंगे, कैसे पोखरा जाया जा सकता है वो सारी इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करेंगे, और पोखरा में कहाँ कहाँ घूमने जाएँ, कहाँ कहाँ घूमना चाहिए वो सारी बातें आने वाली वीडियोज़ में हम शेयर करेंगे। तो बने रहिएगा सीरीज के साथ, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। अभी के लिए बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।